परिहर्तु भवान् नृपापवादं न परुषमाशुगासीषु प्रयोज्यं नगर परिभवान् विमोक्तु मे ते वनमभिगम्य मनस्विनो भवन्ति। अर्थात इस श्लोक में योगेन्द्रायण जो सिपाही जो हटा रहे हैं उनको कह रहा है कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि साधु सन्यासी हैं, इन पर ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। कह रहा कि भगवान नृपापवादम परिहर्तु, कि आप राजा की निंदा से परहेज करो, अर्थात तो आपके इस व्यवहार से राजा की निंदा होती है। सब ये सोचते हैं कि कौन दुष्ट राजा है जो ये ऐसा काम करवा रहा है। आश्रमवासीषु परुषम न प्रयोज्यम, अर्थात आश्रमवासी जो सन्यासी लोग हैं उनके ऊपर ऐसा कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एते मनस्विनो नगर परिभवान विमोक्तुम वनम अभिगम्य वसंती, अर्थात ये सन्यासी लोग नगर में होने वाले अपमान से बचने के लिए यहाँ वन में आकर रहते हैं, क्योंकि ये सन्यासी लोग हैं ये नगर में होने वाले इनके अपमान से बचने के लिए यहाँ पर वन में आकर रहते हैं। और यहाँ पर भी यदि इनका अपमान होगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे। वह आर्य तथा यार ठीक है योगेन्द्रायण अंत ठीक है सब विज्ञानमस्य योगेन्द्रायण अंत सब विज्ञानमस्य दर्शनम वत्स्य उपसर्पावस्थावदेनम। तो योगेन्द्रायण कहता है वस्तुतः से कि है आर्य इसकी उत्ति बड़ी विवेक वाली लगती है, हम इसके पास चलते हैं। वासवता ठीक है योगेन्द्रायण वो किंकृत है उत्साहना कि अरे यह हटाने का कार्य कदेना कार्य क्यों किया जा रहा है। तो कंचुक कहता है वो तपस्विन कि हे तपस्वी, हे तपस्वी कांचुकी है, कांचुकी होता है कंचुकी, कंचुकी कौन होता है, कंचुकी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अंतःपुर की रक्षा कार्य करता है, वह काला चोगा पहने रहता है, इसको कंचुक कहते हैं, इसको इसलिए कंचुकी कहते हैं। तो उसने कहा योगेन्द्रायण से, योगेन्द्रायण ने पूछा कि भी हटाने का कार्य कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। तो उसने कहा कि हे तपस्वी, योगेन्द्रायण बोला कि तपस्वी नीति गुणवान कर लो यह माला पर, कि ये तपस्वी यह व्यवहार मुझे अच्छा लगा है ना, अच्छा है। अपरिचयात् तो न शिष्यते मे मनसी, लेकिन लेकिन किसी ने कभी मुझे इस तपस्वी कहा नहीं, इसलिए ये मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा है तपस्वी कहना कि मुझे कोई तपस्वी कर रहा है। पंची कहता है बहुत श्रूयताम कि अरे सुनो ऐसा खलु गुरु भी विहित नाम दे इससे अस्माक महाराज कस्य भगिनी पद्मावती नाम, कि सुनो ये हमारे महाराज दर्शक जिनका कि गुरुओं ने दर्शक नाम रखा है, इनका नाम तो वैसे मगध राज हैं जिनका दर्शक नाम रखा है गुरुओं ने, उनकी जो बहन है ना पद्मावती वो ही ये सारा काम करवा रही है। सेशा नो महाराज मातरम महादेवी माश्रम स्थान अभिगम्य ज्ञाता तत्र भवत्या राजगृह में यास्ति, वह महाराज की माता मतलब मगध जो दर्शक की माता महादेवी जो कि आश्रम में है उनके पास जाकर और उनसे आज्ञा लेकर राजगृह में यासती राजमहल को जाएगी। तत् अद्यस्मिन् आश्रम पदे वासवी प्रेतवस्या, यानी आज आश्रम में ही
वो रहना चाहती हैं, इसलिए तद्भवंत है। इसे तुम क्या करो, तीर्थोदकानि समिधा कुसुमानि गर्भान स्वैरम अनादुपनयन्तु तपोधानि धर्म प्रिया नृप सुता नहि धर्म पीड़ा इच्छे तपस्विषु कुलवत्तमेतदस्याः।